न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हुए टिकैत जी के घर पर और आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जो एक एपिक सेंटर रहा पूरे किसान आंदोलन का, भारतीय राजनीति का, आज चुनाव जब शुरू हो रहा है आप कैसे देख रहे हैं? जाट वोटों को लेकर काफी बातचीत है कि वापस भाजपा के पास जा रहे हैं, किस तरह से आप ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि देख रहे हैं इस समय? जी नमस्कार, और आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। देखिए, पूरे चुनाव को अगर समझना है तो हमें ये देखना होगा कि जब भी चुनाव की शुरुआत होती है वो पश्चिम से होती है और उसका पूर्व तक एक असर दिखाई देता है, ये हमेशा चुनाव में रहा है। अगर मुद्दों की बात करें तो वेस्ट यूपी में, अगर क्योंकि वेस्ट यूपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं और चर्चा जहाँ पहला चरण होगा उसी पर ज़्यादा होगी। वेस्ट यूपी की जो मुख्य फसल है गन्ना, गन्ने का जो इस सरकार ने वादा किया था कि 14 दिन में भुगतान होगा, रेट जो है C2+50 या 50% लाभांश के साथ दिया जाएगा, उन सब चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतरी है। और ऊपर से जो 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ और एक साल किसानों को घर छोड़ना पड़ा और कानून वापस भी हुए, लेकिन बाद में एक नाराजगी रही कि वापसी कानून होने से भी किसानों को मिला क्या। और ये वास्तविकता भी है कि किसान के ऊपर कृषि कानून लादे गए थे, किसान की जो मांग थी वो थी कि MSP को गारंटी कानून बनाया जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी किया नहीं है। तो किसानों को तो ये है कि जो हमारे खिलाफ एक प्रोपगेंडा था या एक प्रायोजित जो कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपने की एक साजिश थी कृषि को, उससे हमने कृषि को बचाया है, लेकिन उससे हमें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है, तो वो नाराजगी भी एक मुख्य है। और बात करें जाट की, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के जो प्रोपगेंडे पे काम करती थी वो इस बार इसलिए असरदार नहीं है कि जाट और मुस्लिम को ये आंदोलन बहुत नजदीक लाने में पहले भी नारे लगते थे, टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। उसके बाद से बीजेपी की सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम हुई और आज भी उस तरह से बीजेपी जो है ध्रुवीकरण की स्थिति में नहीं है। बार बार उनका ध्रुवीकरण का प्रयास है लेकिन वो इस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसका एक कारण है कि जब कुछ लोग साथ होते हैं, हिंदू मुसलमान साथ आता है, तो अगर वो अकेला खड़ा हो जाता है तो ध्रुवीकरण होता है, लेकिन अगर उसके साथ एक दो कास्ट भी खड़ी है तो वो ध्रुवीकरण नहीं हो पाता। एक बहुत सीधा सा सवाल धर्मेंद्र जी आपसे जी। अभी भाजपा ने अपना सारा जोर जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा रखा है जी। यहाँ पर कैराना में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी घर घर जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए। उनके जो सबसे बड़े भाजपा के नेता हैं नड्डा जी, वो भी यहाँ पर इसी इलाके में घूम रहे हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, तकरीबन यहीं पर हैं दोनों बड़े नाम। योगी जी चुनाव घोषणा से पहले पूरा कैराना के नाम पर ही चुनाव को केंद्रित किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान दोबारा पूरे जोर शोर से हो रहा है और उसमें सबसे बड़ा नाम कैराना का है। तो ये जैसा आप कह रहे हैं, अगर वो माने तो इसका मतलब है कि भाजपा गलत दांव चल रही है या जाट को वापस ले पाई, क्योंकि उनका दावा है कि 40-50% जाट वापस आ चुका है जैसे ही उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, और अभी भी मुसलमान एक बड़ा मुद्दा इस इलाके के लिए है। नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, आपने जो 2-3 बात कही, आपने कहा नड्डा जी हैं, नड्डा जी यहाँ की कल्चर और संस्कृति से तो उनका कोई परिचय भी नहीं है। उनका जो एक काम है, जो एक प्रयोगशाला है हिंदू मुस्लिम की, उसके सिवा भारतीय जनता पार्टी को कुछ आता नहीं है। और नड्डा जी के बारे में हमारे यहाँ कहावत है कि अपने हिमाचल में ही वो सीटें नहीं बचा पाए तो यहाँ क्या करेंगे। और दूसरा रही अमित शाह की बात, अमित शाह को तो ठीक है वो घूम रहे हैं, लेकिन अमित शाह इस क्षेत्र में आए थे 2017 के चुनाव में और उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ के जाटों का नमक खाया है और आप इस बार हमें ताकत में लाओ, सत्ता में लाओ, और मैं आपको साथ जो है अन्याय नहीं होने दूंगा। और यही वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जैसे ही ये 2019 के बाद 14 के बाद सरकार में आती है तो जाट आरक्षण को खत्म कर देती है कोर्ट के नाम पर। जब राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बनता है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दावा किया जाता है कि राम मंदिर हमने बनवाया है, और जब जाट का रिजर्वेशन उससे छीना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का काम है।
यानी कि अगर मंदिर का श्रेय लेना होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो भी कोर्ट से ही आया है, वो भी कोर्ट से ही आया है। और अगर जाट का आरक्षण खत्म करना होगा तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का वादा है। तो आज लोग तैयार हैं अमित शाह से पूछने के लिए कि आपने कहा था कि हमने नमक खाया तो हमारा आरक्षण कहाँ गया। और फिर देश के प्रधानमंत्री ने जाटों की एक मीटिंग बुलाई बहुत लंबी चौड़े, उसमें जाट समाज के जो इनके सांसद थे या जो तमाम प्रतिनिधि है वो लोग मौजूद थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको जो है कमेटी बना के करेंगे। आज भी कुछ नहीं हुआ तो अमित शाह तो कुछ नहीं कर पाएंगे जी। एक आखिरी सवाल जिसको लेकर इसमें पूरे देश में और बाकी हिस्सों में बहुत चिंता है, या यूं कहिए कि वो एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, नरेश टिकैत जी की मुलाकात जो हुई भाजपा के नेता संजीव बालियान जी से, और उससे एक दिन पहले उनका बयान आया जो तमाम मीडिया में चला कि वो गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, और उसके बाद ठीक अगले दिन ही संजीव बालियान के साथ उनकी फोटो आती है। ये वही नेता हैं जिनको किसान आंदोलन के समय उनके घर के आगे भी यहीं पे डेरा डाला गया था, मैं खुद आई थी उस समय देखने। तो ये इसके बाद से जो खबरें हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ मामला पलटा है, कितना मामला पलटा है? नहीं देखिए, जो बीजेपी है, बीजेपी के पास जो आईटी सेल है वो पिक्चर का इस्तेमाल करना जानती है, उनके पास खूबी यही है। संजीव बालियान की मुलाकात के वो माने नहीं थे, उसको मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, हमने पहले से ही कहा है कि हम पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल हैं लेकिन भाजपा के पक्ष में नहीं। बड़ी स्पष्ट बात जो हमने बंगाल में कही या कहीं भी कही वो हमारी एक ही बात है कि हम किसी का समर्थन नहीं करते लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करते हैं। तो एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि जो 13 महीने में बॉर्डर पर हुआ है उसको कोई भी किसान भुला नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हमारे ही जत्थेबंदी के 23 संगठन हमने सस्पेंड किए हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, जो लोग चुनाव में चले गए थे डायरेक्ट, उनको हमने उसी दिन सस्पेंड किया था जिस दिन नरेश टिकैत जी का ये बयान आया। बयान का भाव भी कुछ और था लेकिन वो सरल हैं, गांव के हैं तो वो ज़्यादा कर नहीं पाते, उन्होंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बात आई कि नहीं, फिर उन लोगों का ऑब्जेक्शन आया कि चलो हम डायरेक्ट चुनाव में हैं लेकिन आप भी तो किसी दल का समर्थन करते हो, तो वो थोड़ा एक दूसरा विषय था। लेकिन जब इनको पता लगा कि बयान में कुछ बदलाव है चौधरी नरेश टिकैत जी के, तो ये बिना बताए घर पर पहुंच जाते हैं और एक पिक्चर जो है खिंचाते हैं उनके साथ में, और उनका स्वास्थ्य के हालचाल जानने के बारे में ये बात थी। उस समय तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये तो वो पहले ही रात में ANI को कह चुके थे। जो बयान उनका बाद में छपा और जो बीजेपी ने उसको हाईलाइट करा वो तो वो पहली रात में ANI को बोल चुके थे। तो संजीव बालियान के साथ तो कोई चुनाव पर चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो बयान इस समय आया जब उनकी मुलाकात हुई तो उस पिक्चर का बीजेपी ने बखूबी इस्तेमाल किया। ये एक भ्रांति की स्थिति थी, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भारतीय जनता पार्टी को ना हमने माफ किया है और ना उन घाव को भूले हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, और 13 महीने के संघर्ष को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे और ये संघर्ष एक नया रंग लाएगा। ऐसा हमारा ही नहीं, यहाँ पे जो किसान संगठन है या जो किसान है उन सब के मन में है। दो शब्द में अगर आपसे मैं पूछूं, दो लाइन में अगर पूछूं कि जो किसान आंदोलन चला जिसका उत्तर प्रदेश में एपिक सेंटर में हम बैठे हुए हैं, यह कितनी बड़ी चुनौती आज की तारीख में आपकी निगाह में बतौर भारतीय नागरिक आप देखते हैं भाजपा के लिए? नहीं, भाजपा के लिए तो भाजपा की तो जमीन ही खिसक गई। ये सब किसान आंदोलन की वजह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है, और आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे दूसरे लोग हो, सब आज यही चक्कर लगा रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं का काम थोड़ा होता है विधानसभा में चुनाव लड़ना। और मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ कि आप कितना ही काम कर लो अंततः आपको हिसाब किताब विकास कार्यों का देना होगा, वोट आपको काम पे पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब प्रभावी होती हैं जब आप सत्ता में नहीं होते, और सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर आप हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक जाते हो तो कहीं ना कहीं आप विकास की जो पाठशाला है उसमें असफल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास जीतने में पूर्णतः सफल रही है, जो आज हिंदू और मुस्लिम करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये किस राम की बात करते हैं, इनके तो राम भी दो हैं, दो राम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, एक तो भाजपा के राम है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है।
इन्होंने उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी जय श्री राम में कन्वर्ट कर दिया। एक उस समय की जो वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण को लिखा, और उन्होंने उनको लिखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने भगवान नहीं लिखा, और ये कहते हैं भगवान जय श्री राम। एक आदमी जो 400 साल पहले पैदा होता है, उसने देखा नहीं कुछ नहीं, और एक ग्रंथ लिख दिया, और उस कल्पना की गई है उसमें, उस कल्पना को इनके आधार पर इन्होंने भगवान श्री राम उनका नाम कर दिया। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो किसान जातियां हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो श्री राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखते हैं, और राम हमारे कण कण में है। ये भारतीय जनता पार्टी के नकली राम से चलने वाला नहीं है। जब हम खेती करते हैं, कोई भी शुभ कर्म की शुरुआत करते हैं, तो हम कहते हैं कि ले राम का नाम, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का नकली राम है। राम तो हमारे सबके कण कण में है, लेकिन भाजपा का दिखावा उसका जो ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है उसमें ये सफल नहीं हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि बाकी जो पूरे के पूरे इलाके से जो खबरें हैं उनको भी हम आपकी मदद से देखें और लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।